कोई मर्द बता दे कि कोई राम को लाया है। मर्द नहीं है, मर्द है ये तो औरत है, सच मर्द है ये, मर्द नहीं है। खोल के दिखा दे, हम खोल के दिखा दे मर्द ना भाई साहब, तब ना जानेगा। मेरे झोपड़ी के भागा जी खुद जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। और मंगल भव नया मंगल हारी, कबहु सुदशरथ अजर बिहारी, मन लगल लक्ष्मण के रोबले रघुराई, अखिया खोला बबुआ। प्रताप यादव जी का बयान सुनिए, उन्होंने कहा कि राम जी हमारे सपने में आए थे, बोले कि 22 तारीख को हम अयोध्या नहीं आ रही, सब ढोंगे लोग है। इसमें कोई बड़ी बात है, इसमें मानसिकता को बदलिए, मानसिकता बदलिए। राम श्री राम प्रभु हमारे दिल में बसते हैं, रोम रोम में बसते हैं। बेवकूफ बनाने वाला काम कर रहा है, राजनीतिक रोटियां से की जा रही है, इस पे बात कीजिए ना। सेक रहा है रोटी, अरबी जबी वाले सेक रहे हैं, और कौन सेकेगा? नशे में है, चेकअप करवा लो। राम नशे में है, डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ, सत्ता के दलालो डॉक्टर, पागल घोषित कर दिया जाएगा, पागल घोषित कर दिया, दिवालिया पागल घोषित कर दिया जाएगा। बिहार सरकार में मंत्री और लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव के सपने में आते हैं राम जी। वो कहते हैं कि राम जी हमारे सपनों में आकर के कहे कि तेज प्रताप आप 22 तारीख को अयोध्या नहीं जाइएगा, क्योंकि हम अयोध्या 22 तारीख को नहीं आ रहे हैं। ये ढोंगी लोग जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपना। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम लोगों से राय जानेंगे कि तेज प्रताप यादव जो कह रहे हैं कि ढोंगी लोग हैं, हम 22 तारीख को अयोध्या नहीं आएंगे, लोग ही बताएंगे कि 22 तारीख को राम जी जो है विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में, राम मंदिर में, कि नहीं, क्या कहिएगा? विराजमान हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हम लोग तो जाएंगे, उनके प्राण प्रतिष्ठा में जरूर शामिल होंगे। तेज प्रताप जी कह रहे हैं कि गलत है, सब हवा बना रहा है, हम राम जी हमारे सपने में आए, बोले कि हम नहीं आ रहे हैं बाबू। अरे तो वो भी तो मुंडन कराने के लिए हाले गए त्रिपुरम, कहे गए घर ही, घर ही करवा लेते अच्छा रहता। मंदिर कहे गए, मंदिर कहे गए, मुंडन करवाने के लिए खुद ही तो मंदिर गए। मना किए कि तेज बाबू आप मत आइएगा? पता हम तो नहीं कह सकते हैं, उसके सपना में आए कि झूठ बोलते हैं जो। अच्छा, झूठे बोलते हैं तो और का, सब सही बोलते हैं वो। कृष्ण भक्त है? नहीं है, कृष्ण भक्त हैं वो ना। हम लोग तो कृष्ण भक्त हैं, हम तो राम भक्त हैं। आप भी राम भक्त हैं? हाँ, हम राम भक्त हैं। अच्छा, राम जी पर आप गाना गाते हैं जी, सुनाइए ना। हो और मंगल भव नया मंगल हारी, कबहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। छाती चीर के हनुमान ने बता दिए श्री राम, मेरे दिल में बसे हैं राम, मेरे दिल में बसे हैं राम। जिस वस्तु में राम नहीं वह वस्तु ना ए काम, जिस वस्तु में राम नहीं वह वस्तु ना ए काम, जिस वस्तु में राम नहीं, जिस वस्तु में राम नहीं वह वस्तु ना ए काम। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। अच्छा, मन में बसे हैं राम, तन में बसे हैं राम, गा लिए वो वाला सुनिए ना, जो एक गाना भी ट्रेंडिंग चल रहा है राम जी पर, कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे जी, गाते हैं। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भागा जी खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भागा जी खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी,
राम झूवेंगे तो पव ना झूवाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे मेरे झोपड़ी के भागा जी खुल जाएंगे, राम आएंगे। अच्छा और लाइन जी अब अगला गाते। सत्य बहन लगल लक्ष्मण के अरे रोबे ले रघुराई, सत्य बहन लगल लक्ष्मण के रोबे ले रघुराई, अखिया खोला बबुआ अखिया खोला बबुआ, के कहब छोटका भाई अखिया खोला बबुआ। अच्छा उसको क्या कहिएगा जो राम का विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं उनसे हम यही आग्रह कहेंगे करेंगे कि किसी का भी पहले कोई बीमार होता है या किसी का पैर टूटता है गोड़ टूटता है तो आदमी दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है, पहला तो डॉक्टर तो डिपेंड करवे करता है डॉक्टर पे भी, लेकिन दवा और दुआ दोनों का जरूरत होता है। क्योंकि प्रताप यादव जी कह रहे हैं कि राम जी हमारे सपने में आए, कहे कि हम नहीं आ रहे, ये सब ढोंगी लोग हैं, हम नहीं आएंगे 22 तारीख को अयोध्या में। जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है वो सबसे बड़ा ढोंगी है। तेज प्रताप यादव ढोंगी है और क्या है? बहुत बड़े कृष्ण भक्त है। कृष्ण जी हैं तो राम ही तो कृष्ण बने। अब कृष्ण ही राम है, कृष्ण ही राम है, राम ही कृष्ण, राम ही कृष्ण है। वो तो एक है, जो अयोध्या नहीं जाएगा राम जी के जो दर्शन नहीं करेगा उसको कैसे विजय प्राप्त होगा? ढोंगी लोग राम जी को बुला रहा है, हम नहीं आ रहे, राम जी सफरा में आके बोले हैं। ऐसे कहने से थोड़े होगा, राम जी आएंगे 22 तारीख को। राम जी पक्का आएंगे 22 तारीख को। अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ था और राम उत्सव 22 तारीख को मनाया जाएगा और 22 तारीख को उनको जाना चाहिए। नहीं बोल रहे 22 तारीख को अयोध्या में आएंगे राम जी। तो हम एक बात हम पूछना चाहते हैं भाई साहब, बोले कि राम जी आपने बोला हमने कुछ बोला। प्रताप यादव जी का बयान सुनिए, उन्होंने कहा कि राम जी हमारे सपने में आए थे, बोले कि 22 तारीख को हम अयोध्या नहीं आ रहे, सब ढोंगे लोग है। इसमें कोई बड़ी बात है? इसमें कौन बड़ी बात है? राम जी नहीं आ रहे, राम तो दिल में बसते हैं। राम जी नहीं आ रहे अयोध्या में? अरे राम मंदिर में 22 तारीख को आ चुके हैं, आप दोबारा आएंगे? राम जी तो पहले आ चुके हैं, आप दोबारा आएंगे? आप कौन लाएगा राम जी को? कौन मर्द पैदा हो गया राम जी को लाने वाला? बता दे रहा है वो मर्द हुआ कोई पैदा? कौन मर्द पैदा हुआ नाम बता दे, कौन मर्द है बताइए? राम जी लाया। ये जो बोल रहे हैं कि दिल में बसते हैं, जो इतना तीर्थ बना हुआ है, तो जो इतना तीर्थ बना हुआ है काशी विश्वनाथ वहाँ महाकालेश्वर ये सब भी लोग कहा ले जाता है, कहा जाते हैं, हैं? मानसिकता को बदलिए, मानसिकता बदलिए। राम श्री राम प्रभु हमारे दिल में बसते हैं, रोम रोम में बसते हैं। श्री राम लला का घर बनाया जा रहा है, वो आ नहीं रहे, वो तो घर में पहले से प्रवेश है, बेवकूफ बनाने वाला काम कर रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। इस पे बात कीजिए ना, सेक रहा है रोटी? और बीजेपी वाले सेक रहे हैं, और कौन सेकेगा? और से खुलेआम सेक रहा है। आप बात करते हैं, कह रहे हैं राम जी हमारे सपने में आए थे, कह रहे हम नहीं जाएंगे 22 तारीख। अरे राम जी तो कह दिया मैंने रोम रोम में बसते हैं, राम जी दिल में है, राम जी पहले से है धरती पे। आप कह रहे हैं कि राम जी को लाएंगे, हाथ पकड़ के हाथ भरो, राम लाने वाला, राम को लाने वाला मर्द पैदा हुआ है? कौन लाया है? राम पहले से आ चुके हैं, राम तो हम लोग को लाए हैं। राम तो हम लोग को लाए हैं, हम कहाँ से ला सकते हैं? राम वहीं ना कहे, राम मंदिर राम जी का घर बन रहा है, उनका जहाँ जन्म हुआ था उनका स्थान बनाया जा रहा है। अरे कौन बनवा रहा है? कोर्ट का फैसला हुआ, आम नागरिक बनवा रहा है, समझे कि मैं बीजेपी बनवा रहा है सरकार में? अरे सरकार हो गया था, इंडिया क्रिकेट इंडिया वर्ल्ड कप आ रहा था, क्या बीजेपी के सर में आ रहा है? अपना श्रेय ले रहा है, जब से मोदी गया था ग्राउंड में विकेट नहीं गिरा, मोदी जी ले रहे हैं श्रेय, इस पे नहीं बोलिएगा आप। मोदी जी हरवादी वर्ल्ड कप, बिल्कुल। जब आप कर रहे हैं कि राम मंदिर मोदी जी बनवाया है, तो मचराया मोदी जी हराया है, गजब वाला बाजी। मानसिकता को बदलिए, राम को लाने वाला कोई मर्द पैदा नहीं हुआ, राम दिल में बसते हैं, राम रोम रोम में बसते हैं, राम हम सबको लाए, राम कोई नहीं लाने वाला मर्द है, कोई बता दे कि राम को लाए हैं? प्रताप यादव जी की बातों से आप सहमत है? बिल्कुल सहमत है। हम सहमत नहीं है भाई, दिमाग भ्रष्ट हो गया है, दिमाग भ्रष्ट हो गया है। आप बताइए कोई मर्द, मतलब आपका विरोध कर दिया तो दिमाग भ्रष्ट हो गया है? कोई मर्द बता दे कि कोई राम को लाया है? मर्द नहीं है, मर्द है, ये तो औरत है, मर्द है। ये बोल रहे हैं कि भ्रष्ट हो गया है, ये तो बिहार का मर्द नहीं है। खोल के दिखा दे, हम खोल के दिखा दे मर्द ना भाई साहब, तब ना जानेगा। आप साबित करिए कौन मर्द है? हम तो कह रहे मर्द नहीं है। आपको कह रहे मर्द नहीं, बार बार बोल रहे हैं आप लोग, इतना है ना जी, मर्द नहीं, आप लोग बोल दीजिए मर्द नहीं है, तभी मर्द है तभी तो। राम को कौन मर्द लाया बतावे जरा, आपका 56 इंच का सीना जरा कोई दिखावे जरा,
राम को कोई मर्द नहीं ला सकता है। राम अपने चल के आए हैं। राम ने सबको लाया है। मोदी जी ने लाया है। बिल्कुल थे, बिल्कुल। कौन मर्द लाया? कौन लाया? अभी की बात हो रहा है ना? अभी बोला कौन की बात हो रहा है ना भाई साहब? कहाँ 24 की बात हो रहा है कि राम को लाया जा रहा है? कौन मर्द ला रहा है 24 में, बताया जरा? राम को लाने वाला कोई इंसान नहीं है। जो लाए हैं वो ला चुके हैं, दोबारा कोई लाने वाला पैदा नहीं होगा। बात कब समर्थन? बिल्कुल समर्थन करते हैं। हाँ जी, कैसे? नशे में है। दलालों डॉक्टर बुला सत्ता के दलालों डॉक्टर पागल घोषित कर दिया जाएगा। पागल घोषित कर दिया, दिवालिया पागल घोषित कर दिया जाएगा। राम के खिलाफ जा रहे हैं। मैं यही हूँ। बुलाओ डॉक्टर, डॉक्टर बुलाओ, चेकअप करवाओ। मैं यही हूँ, समझे? बुलाओ डॉक्टर, मैं यही हूँ, तुम बुलाओ ना। जब राम दिल में बसे तो खिलाफ क्यों जाना है? अरे मैंने तो वही तो कहा, मैंने ही कहा। देखिए, इन लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है। आप कहिए कैसे? तो साफ तौर पर लोगों के प्रतिक्रिया को आप लोगों ने सुना। कुछ लोग कह रहे हैं कि राम को लाने वाला कोई नहीं है, नरेंद्र मोदी जो है वो अपना राजनीतिक जो रोटी सेक रहे, और तेज प्रताप यादव के बातों से कुछ लोग सहमत भी है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, तेज प्रताप यादव के बातों को हम लोग विरोध करते हैं। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।